धनबाद स्टेशन पर संवेदक की मनमानी देखने को मिली है। सर्कुलेटिंग एरिया के थ्रू लेन पर संवेदक का कब्जा है। स्टेशन के मुख्य गेट पर संवेदक का कब्जा है। अवैध वाहन पार्किंग से हो रही मोटी कमाई। थ्रू लेन से गुजरने वाले वाहनों से भी पार्किंग चार्ज वसूले जा रहे हैं। संवेदक की मनमानी के खिलाफ प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है। तो धनबाद स्टेशन पर कैसे संवेदक की मनमानी चल रही है ये देखिए आप। थ्रू लेन पर संवेदक का कब्जा है। स्टेशन के मुख्य गेट पर संवेदक का कब्जा है और संवेदक की ये इतनी मनमानी के बावजूद भी प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, संवेदक की इतनी मनमानी खबर है प्रशासन को, फिर भी प्रशासन चुप है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए मैं जहां खड़ा हूं ये थ्रू लेन है और इसमें पार्किंग नहीं करना है, लेकिन यहां के जो कॉन्ट्रेक्टर हैं, एक ही कॉन्ट्रेक्टर हैं और उन्होंने पूरा टेंडर कर रखा है। और जब अगर आप पीछे में देख सकते हैं जो जो पार्किंग जो है किया हुआ है, जब वहां भर जाता है, जिस लेन में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कोई भी वाहन खड़ा कर देता है तो यहाँ उनसे पैसा ले लिया जाता है। जबकि साफ तौर पर रेलवे विभाग ने यहाँ लिख दिया है कि नो पार्किंग जोन, यानी आपको किसी प्रकार का कोई वाहन यहाँ पे खड़ा नहीं करना है। अगर खड़ा करते हैं तो आपको 500 रुपीज आपको जुर्माना देना होगा। बावजूद इसके जो है कॉन्ट्रेक्टर जो है मनमानी करते हैं, जबकि इसकी जानकारी सीआरपी हो, आरपीओ हो, तमाम लोगों को जानकारी है, तो उन वो जानने के बावजूद भी इस तरह की कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कि ताकि वैसे कॉन्ट्रेक्टर पे कार्रवाई हो। जब इस संबंध में हमारे कॉन्ट्रेक्टर से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग उस तरह का नहीं करते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ बाइक चालक हैं या कुछ वाहन खड़ा करने वाला है, उनका साफ आरोप है कि हम लोगों से पैसे ले लिया जाता है। क्योंकि देखिए जो मेन लेन होता है उसी से लोग आते हैं यात्रियों को लेकर और यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर अगर आप पार्क करते हैं तब उसका पैसा लेना है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही एंट्री करते हैं उसके बाद पैसे वसूला जाता है। तो हम यह कहें कि रेल प्रशासन को इस बात की पूरी तरह से जानकारी है, जानकारी होने के बावजूद भी अनभिज्ञ बनी हुई है, जिससे काफी यात्रियों को या आम लोगों को परेशानी होती है। अगर इस तरह के मामले पर कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई कॉन्ट्रेक्टर करता है, पैसा लेता है अवैध तरीके से, तो उनपे कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने तो चुप्पी साध रखी है। जाहिर तौर पर प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता अशोक, क्योंकि शिकायतें कई बार की गई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है वहां पर, लेकिन इन शिकायतों को प्रशासन अनसुना कर रहा है। प्रशासन तो कहती है कि हम कार्रवाई करते हैं, एक्शन करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता। उनकी सिर्फ कागज में कार्रवाई होती है कि आप देख सकते हैं कि जो बगल में इंक्रोचमेंट था उसको भी प्रशासन ने हटाया, लेकिन उनके जो एरिया में इंक्रोचमेंट है, जिस तरह पार्किंग किया जाता है, उनको नहीं हटाती है, बल्कि उसका फायदा जो है कॉन्ट्रेक्टर पूरी तरह से उठाते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। यहाँ पर हम बात करें तो आपको 8 घंटे का 10 रुपए एक यात्री को देना पड़ता है। यदि बाइक कोई खड़ा करता है तो 8 घंटे का 10 रुपए देना पड़ता है। आप समझ जाइए कि अगर यहाँ से कोई भी यात्री कहीं बाहर जाता है 2-4 दिन के लिए, तो अच्छी खासी एक बाइक पर 50 से 60 रुपए कमाई हो जाती है। और यही कारण है कि कॉन्ट्रेक्टर का कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिली भगत है प्रशासन के, और यही कारण है कि प्रशासन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करती है। चलिए, तो अब देखिए प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो लोगों में एक गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन कब इस मामले में अपनी संजीदगी दिखाता है और कार्रवाई करता है। शुक्रिया आपका बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैसे देखिए ये धनबाद स्टेशन का नजारा, थ्रू लेन पर भी संवेदक का कब्जा है, जो मेन गेट है वहां पर भी संवेदक का कब्जा है, और ये सारी चीजें प्रशासन की नजर में है, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।